ये सारा रिपोर्ट ना कल हेडक्वार्टर्स पहुंचाना, समझ गए? कल तक नहीं तो क्या आज रात को जाओगे? कल तक पहुंच जाएगा मैडम। तो पहुंचवा दीजिए। करिश्मा सिंह जी। जय हिंद सर। जय हिंद। आप बार बार हमें दूरभाष क्यों कर रही थी? सर आपके होठों पर चोट कैसे लगी? होठों पर चोट? ये वो हसीना जी ने जोर से क्या किया मैडम सर ने? पुष्पा जी क्या आप अपनी जुबान का दुरुपयोग कर रही हैं? कुछ भी बोली जा रही है। अब देखिए वो हम दोनों गाड़ी से उतर रहे थे तो हाँ और हमें जोर से वो झटका लग गया और दिख ही रहा है जोर का झटका। डीएसपी सर नीचे गिर गए। हाँ हसीना जी सत्य कह रही हैं। करिश्मा सिंह आप कुछ बता रही थी। हाँ हम आपको कॉल कर रहे थे ना, वो कॉल हम कर रहे थे कि वो अम्मा ने जो है वो रिंग भिजवाई है अपने होने वाली बहू के लिए। तो नाप देखना था कि नाप ठीक है कि नहीं। क्या बात है, आपकी अम्मा ने होने वाली बहू के लिए अंगूठी भेज मगर हमारे लल्ला के लिए आज तक कभी कुछ नहीं भेजा। पुष्पा जी आपके लिए एक टेप भिजवाया था, उसको मुंह पे लगा लीजिए, बहुत सूट करेगा आपको। क्या बात कर रही है मैडम, अगर पुष्पा जी मुंह पर टेप लगा लेंगी तो आपसे झगड़ा कैसे करेंगी? सिंपल है चीते। आपके जुबान पर तीखी मिर्च लगा कर घर से बाहर निकलती है क्या? जब भी मुंह खोलती है बस तीखा ही बोलती है। नहीं बताइए, इस उम्र में आपको मीठा ज्यादा सूट नहीं करता है ना, इसलिए। हो गया आप दोनों का, जब मौका मिला नहीं आप दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। करिश्मा सिंह इस अंगूठी को वापस रख लीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मगर नाप तो ले लीजिए ना, वो क्या है फिर सगाई वाले दिन दिक्कत हो जाएगी। लीजिए ना। इधर देखो मैडम सर। सर संतोष शर्मा ये असली सगाई नहीं चल रही, इसलिए अपना फोन रखे, काम पर ध्यान दीजिए। हसीना जी आप एक काम कीजिएगा, आप खुद ही पहन कर नाप देख लीजिएगा, हम आपको सीधे सगाई में ही अंगूठी पहनाएंगे। जी यही बेहतर होगा। क्या हुआ, नाप सही है ना? हाँ ठीक तो है लेकिन थोड़ी सी टाइट है। अरे नहीं निकल रही तो रहने दीजिए ना, पहन के ही रखिए, वैसे भी अब पहननी तो है ही आपको। ये फंस गई है पुष्पा जी, और फंसी हुई चीजें बाद में जाकर तकलीफ देती हैं। हम इसे निकाल कर आते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए ना उनकी मदद कीजिए, जाइए जी। हम आपकी कुछ सहायता कर दें? जी नहीं सर, हम कर लेंगे। आप हमारे हाथों से अंगूठी पहन तो नहीं सकती, निकलवा तो सकती है ना? लाइए हम निकाल देते हैं। इस बार हम आपको तकलीफ होने नहीं देंगे। ये लीजिए, हमने आपको मुक्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
हसीना जी, हम जानते हैं कि आपको बहुत असहजता हो रही है। हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बस कुछ ही समय और, फिर आपको ये नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू सर, हम भी इस नाटक से अब थक चुके हैं। लेकिन अभिनय अच्छे से कीजिएगा, वरना सबको एक याद हो जाएगा कि हम ये प्रेम और विवाह का केवल नाटक कर रहे हैं। डोंट वरी सर, हम बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे। धन्यवाद, अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। अंगूठी निकाल दिया आपने? हाँ, निकल गई अंगूठी। करिश्मा सिंह, इसे कुछ करके थोड़ा सा लूज किया जा सकता है क्या? बहुत टाइट है। हसीना जी, कल हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, उसी समय उसी जगह पर। जी, हम पहुंच जाएंगे। चल क्या रहा है इन दोनों के बीच, पता लगाना होगा। मैडम मैडम मैडम, आगे तक जा रही है क्या? नहीं, हमारा बाइक पीछे की तरफ चलता है। बहुत हंसी आ रहा है तुमको। मैडम सुनिए ना, अगर जा रही है आगे तक तो हमको भी छोड़ दीजिए ना। क्या है कि हम अगर रिक्शा करेंगे ना तो थाना का बहुत सारा फंड वेस्ट हो जाएगा। मैडम ये झूठ बोल रहा है, अपना पैसा बचाने के लिए सब बोल रहा है। जानते हो, पुलिस होने के बावजूद भी हमारे कुंडली में ना एक तो मर्डर लिखा होता, क्या चाहते हो? करिश्मा मैडम सामने कानून हाथ में लोगे तुम? देखो मैडम, प्लीज मैडम छोड़ दीजिए ना। मैडम जीते हम ना बहुत जल्दी में, आज नहीं तुमको फिर कभी छोड़ेंगे। प्लीज मैडम। कबूतर होगा मैडम शायद। अच्छा, हमको लगा बकरी जो है वो चढ़ गया ऊपर। खुद की बेइज्जती कैसे कराते हैं वो कोई तुमसे सीखे, एक नंबर हो। एक मुक्का मार के नाक कैसे तोड़ते ये भी हमसे सीखो, सिखाएं। ये सब करके पुलिस में भर्ती हुए तुम? पुलिस में भर्ती हुए भरकर फालतू बकवास। मैडम प्लीज हम खुद दीजिए ना मैडम। अम्मा ये स्टार्ट का ही नहीं हो रहा है। हम किस दिन काम आएंगे मैडम? हम कर सकते स्टार्ट। यस कर दीजिए। दीजिए मैडम स्टार्ट करो, हमको जाना जल्दी है। दीजिए मैडम दीजिए। तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। सॉरी, हमको नहीं पता था तुम। नो रास टूटने पर नो सॉरी नो थैंक यू मैडम। अरे ऐसे बड़े बड़े चाय स्टॉल के तो छोटे छोटे ग्लास टूटते ही रहते हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, आपको इसका हर जाना देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा हमको? हर जाना। ऑन ड्यूटी ऑफिसर से तुम टकराए हो, इसके लिए तुम्हें अंदर डाले? मैडम आप अंदर डाल दीजिए बेशक, लेकिन हर जाना देना ही पड़ेगा आपको। हाँ मैडम, हजाना दे दो आप इनको, तो थोड़ा जोर से। दे दे क्या? जोर से। कितना दे तुमको आज? कितना है हमारे पास? मिल गया कि और चाहिए? हरजाना। ए चीता। अरे मैडम 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 से हम खुद लिफ्ट मांग रहे थे, मैडम चली गई खटारा हमारे हाथ देके। हसीना मलिक, कई बार अपने देश के लिए अपनी जान देनी भी पड़ सकती है और शत्रु की जान लेनी भी पड़ सकती है, और ये संभव है कि इस मिशन में आपको ऐसा करना पड़े। और जब कभी ऐसा समय आएगा तो असमर्थ ना रहे, क्योंकि शत्रु आपका कोई अपना भी हो सकता है। हम इन बॉटल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे? जी नहीं, आज आप हमें यह प्रमाण दीजिए हसीना मलिक कि शत्रु को मारने के लिए आपके हाथ कभी नहीं रुकेंगे, चाहे वो शत्रु आपका कोई अपना ही क्यों ना हो। हम देखना चाहते हैं हसीना मलिक कि आप अपने देश के लिए अपनों को पीड़ा दे सकती हैं या नहीं। आजकल तो आप हमें अपना मानती नहीं, लेकिन कभी तो मानती थी, तो बस उसी दृष्टि से देखिए।
और चलाइए गोली हम पर। आप पर? निश्चिंत रहिए, ये गोली हमारी जान नहीं लेगी। केवल थोड़ी सी पीड़ा होगी। नहीं सर, हम ये नहीं कर सकते। ये बुलेट प्रूफ जैकेट भी कभी कभी धोखा दे सकती है, इस पर इतना भरोसा भी मत करिए। और मिशन के ठीक पहले हम आपकी जान खतरे में डालने का रिस्क नहीं ले सकते। मिशन की सफलता के लिए ये अभ्यास भी आवश्यक है हसीना मलिक। चलाइए गोली। मन की सभी उलझनों को निकालकर कर्म को पहचानिए और कर्म के लिए लड़िए। जब बात अपने कर्म की आती है तो अपनों से भी युद्ध करने के लिए प्रहार करना पड़ता है। चलाइए गोली हसीना मलिक। शत्रु आपके सामने खड़ा है, सोचिए मत, वहां पर आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। चलाइए गोली। करिश्मा सिंह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कहाँ चल रहा है सब कुछ? कोई हमको बताएगा? हम बस एक बहुत बड़े मिशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये शादी का चक्कर जो चल रहा है, ये नाटक है मिशन के लिए? हाँ। तो क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते हैं? नहीं। नहीं। इतना बड़ा ड्रामा आप लोगों ने इस मिशन के लिए किया? ये क्या क्या है ये मिशन? बताइए हमको। जितनी जानकारी हमें आपको देनी थी हमने दे दी है। इससे ज्यादा विस्तार में हम आपको मिशन के बारे में नहीं बता सकते। एक गोपनीय है और ध्यान रखिएगा, हमारे और हसीना मलिक के इस प्रेम के नाटक के बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। अब आप प्रस्थान कर सकती हैं। नहीं 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 अनु भैया प्लीज, हमें भी इस मिशन का हिस्सा बनना है, हमें भी देश के काम आना है। हमें बताइए ये क्या मिशन है, प्लीज हमको बताइए आप। हम आपको इस मिशन के लिए नहीं ले जा सकते करिश्मा सिंह। काहे? क्या हम काबिल नहीं है मिशन के लिए? बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैडम सर भी तो है ना इस मिशन में, तो हम काहे नहीं हो सकते हैं? प्लीज हमें लेके जाइए आप इस मिशन में, हमको जाना है। अनु भैया, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। करिश्मा सिंह, आप इस मिशन पर नहीं आएंगी। काहे? हम काहे नहीं आएंगे इस मिशन पे? आप भी तो जा रही है ना। अब माफ कीजिएगा मैडम सर, ये जो फैसला है ना, ये डीएसपी सर का है, आपका नहीं। सर, अनु भैया, आप हम हैं ना इस मिशन में आपके साथ, आप हमें लेके जाएंगे ना अपने साथ? डीएसपी सर माफ कीजिए, ये आपका फैसला है और आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन अगर करिश्मा सिंह इस मिशन पर आई तो हम इस मिशन को क्विट कर देंगे।
आपको समझ में नहीं आता आपको हमसे क्या तकलीफ है? हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ इस मिशन पर आए एंड दैट्स फाइनल। लेकिन क्यों हम? आप जा सकती हैं करिश्मा सिंह। ये मिशन हसीना मलिक के बिना असंभव है, इसलिए हमें उनकी बात का मान रखना पड़ेगा। हम आपको इस मिशन में नहीं ले जा सकते। जय हिंद। जय हिंद। सॉरी करिश्मा सिंह, हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए हमने आपको इस मिशन पर नहीं आने दिया। उम्मीद करते हैं आप जरूर समझेंगी। करिश्मा सिंह, आप अभी तक यहाँ हैं? कोई जरूरी काम? बहुत जरूरी काम है हमें। हम ना बहुत देर से एक ही बात सोच रहे थे कि आप हमें अपने साथ मिशन पर काहे नहीं लेके जा रही हैं। फिर हमने सोचा तो हमें समझ में आया, क्योंकि हम आपका कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। आपने जो कहा है हमने उसका उल्टा किया है, या फिर हमने उस पर सवाल उठाए। अगर हम यही काम मिशन पे भी करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए आप हमें नहीं लेके जा रही हैं ना करिश्मा सिंह। एक तो आप पहली बात ना मिशन इस तरह से खुलेआम बोलना बंद करिए। इट्स अ सीक्रेट मिशन। हाँ, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप हमें मिशन पर इसलिए नहीं लेके जा रही है ना क्योंकि हम आपका कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते मैडम साहब। हाँ, यही वजह है कि आप हमारी बात कभी नहीं सुनते, इसलिए हम आपको नहीं ले जा रहे। लेकिन अब से मानेंगे मैडम सर, आपकी सारी बातें मानेंगे, आपका हर एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, वो भी बिना कोई सवाल किए। आप बस हमें बताइए आप हमें अपने साथ मिशन पर लेके जाएंगे ना? हम सच में आपकी सारी बातें मानेंगे। करिश्मा सिंह, अगर आप यही सवाल हमसे और 100 बार भी करेंगी तब भी हमारा जवाब नहीं बदलेगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि एक इंसान की आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं। आप मिशन पर नहीं आएंगी एंड दैट्स फाइनल। हमारा नाम भी करिश्मा सिंह, हम भी आपको मना कर रहेंगे और आप हमें मिशन पर अपने साथ लेकर जाएंगी, आप खुद हमें बुलाएंगे, हम आपको कन्विंस करके रहेंगे मैडम सर। सुनो, देखो हमारे पास दिन बहुत कम है। क्यों पुष्पा जी, कोई बीमारी हो गई क्या आपको? पर आप एकदम ठीक ठाक लग रही हैं, क्या हुआ? सीमा, संतु जी। हाँ। पुष्पा जी, कहने का मतलब ये है ना कि मैडम सर ना डीएसपी सर को अपने चाचा जी से मिलवाने ले जा रही है। जैसे ही मैडम सर वहाँ से वापस आएंगे ना तो मैडम सर के और डीएसपी सर के शादी का तैयारी ना शुरू हो जाएगा। तो पुष्पा जी उसी हिसाब से कह रही हैं संतु जी कि मतलब इन सब चीज के लिए ना समय बहुत कम है। वैसे हाँ, हो गया तुम लोगों का, कब से बकैती किए जा रहे हैं, अब हमारी बात सुनो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि मैडम सर की शादी का मंडप जो है ना वो यहाँ थाने के बाहर लगा देंगे। थाना भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और हाँ, संगीत में सबको नाच करना है, सबको। हाँ, हम दोनों बिजनेसमैन नागिन डांस करेंगे। चल बीन बजा। एक बात बोले, तुम लोग मिलकर चिड़ियाघर वाला डांस भी कर सकते हो। बेइज्जती कर रहे, बेइज्जती। चीता मैडम, उन दोनों को जो करना है करने दो ना, मगर हमने तय किया है हम ना अकेले नाच करेंगे, सोलो परफॉर्मेंस करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, वो गाना है ना बहुत फेमस, वो जिसकी बीवी मोटी, उस पे कीजिए, बहुत जचेगा आपको। आप हमारे डांस की चिंता मत कीजिए, हमने हमारे लिए गाना तय कर लिया है। एक झलक दिखलाएं? दिखला दीजिए। अरे बाप रे, माधुरी दीक्षित के गाने में सनी देओल कितना अच्छा डांस कर रहा है। ना ये गाने के शब्द आपके हैं, ना इसको संगीत आपने दिया है, तो क्यों भाषण दे रही है? खैर, आपसे बात करना मतलब ना। संतु, तुम बताओ तुम किसके साथ नाच करोगी? हमारे साथ। उधर आई, इधर आई, थोड़ा सा इधर। यार, गजब का गंदा आदमी है तुम, गजब का गंदा आदमी। छिया, फिक्स हो गया है, संतु जी से बात हो गया, हम नाचेंगे संतु जी के साथ। मैं नाचूंगा। तुम दोनों के साथ नहीं डांस करूंगी मैं। टाटा। करिश्मा मैडम, आप बताइए आप किसके साथ डांस करेंगी? टोपा होगा। हमको नहीं करना डांस वांस, हम नहीं करेंगे डांस। क्यों नहीं करना आपको नाच? दिन भर तो हमारे सर पे नाच करती रहती है आप। अब जब भैया और भाभी की शादी हो रही है तो आपको क्यों नहीं नाच करना है? मैडम प्लीज डांस कीजिए ना।
नहीं नहीं एक सेकंड ना, बहुत बहुत प्रेम से हम इनको समझा रहे हैं, हमको ना ये डांस वन सीन नहीं करना है, हमको नहीं समझ में आता है डांस वन, दबाव मत डालिए मैडम, मैडम प्लीज। जय हिंद। आप सब करिश्मा सिंह को किस चीज के लिए इतना फोर्स कर रहे हैं? आपके संगीत के लिए मैडम, लेकिन करिश्मा मैडम ने सबका मूड खराब कर दिया। देखिए मैडम सर, आपको और अनुभव सर को भी करना है वो अंग्रेजी डांस, होता है ना वो कपल डांस। हाँ 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 जी पुष्पा जी बिल्कुल। मैडम सर, आप करिश्मा मैडम को बोलिए ना परफॉर्म करने के लिए। जाने दो ना संतु, उन्होंने कहा किसी की बात मानिए जो आज मैडम सर की बात मानेंगे, छोड़ो। किसने कहा हम मैडम सर की बात नहीं मानते, उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं? वो जो कहेंगे हम करेंगे, वो कहेंगे डांस करो तो हम कर देंगे डांस। डांस का तो ठीक है मैडम, लेकिन आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं। का मजाक? अगर मैडम सर कहेगी डांस करो तो हम कर देंगे, उसमें का है? अच्छा हाँ। देखते हैं मैडम सर आप कहिए। मैडम अब आप कह दीजिए। मैडम सर, मैडम सर, मैडम कह दीजिए ना मैडम सर। ठीक है ठीक है, करिश्मा सिंह डांस तो आपको करना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.